चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, काउंसलिंग के अभाव में स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स होते हुए भी उनको अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाती है, तो इस विषय पर मैंने काफी कुछ सोच विचार करने के बाद ऐसा सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिससे उसको हर चीज एक जगह मिल सके, यानी कि हरेक काउंसलिंग का नॉलेज उसको एक ही जगह मिल सके। यही सोच के मैंने इसके लिए बुक तैयार की है और ये काउंसलिंग के लिए बुक स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल रही है। 2020, 2021 और 2022 में अभी ये बुक अवेलेबल है। 2021 और 20 में भी मैंने ऐसी बुक लिखी थी जो स्टूडेंट के लिए काफी लाभदायक साबित हुई है। तो ये 2022 में जो मैंने बुक लिखी है इसमें काफी सारी फैसिलिटीज हैं। उसी बुक के बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटी इस बुक में है और ये किस प्रकार से आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो ये मैंने ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और आयुष वेटनरी सभी के लिए बुक तैयार की है। तो सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटा की बुक में देखते हैं कि इसमें क्या फैसिलिटी है और ये आपके लिए काफी लाभदायक कैसे साबित हो सकती है। तो इसमें मैंने जो कवर किया है, जो कोटा कवर किया है, वो ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, डीयू कोटा, ईएसआईसी, इसके अलावा डिम्ड यूनिवर्सिटी कवर की हैं, सेंट्रल पूल कोटा इसमें कवर किया है। तो इतने सारे कोटा मैंने इसमें कवर किए हैं। बीएचयू, एएमयू के बारे में भी इसमें अच्छी तरह समझाया है। अब इसमें जो दिया गया है वो क्या क्या मैटर है, तो सबसे पहले मैंने इसमें कट ऑफ दी है, वो कट ऑफ 3 साल की कट ऑफ है जो इस प्रकार से दी गई है। ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज दी गई है, राउंड वाइज दी गई है और इसमें कॉलेज वाइज दी गई है। इसमें हर एक राउंड में कैटेगरी की कौन सी कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है और ये 3 साल की कट ऑफ इसमें अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कहां पर कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि इस बार हम मान रहे हैं कि कट ऑफ 5 मार्क्स डाउन रहने वाली है। तो इसमें जिस स्टूडेंट को, जैसे मान लो कि इसमें 705 पर मौलाना आजाद मिला है, तो जिसको पिछले साल 7010 पर जो कॉलेज मिला था वो इस बार ये कॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी कॉलेज कितने नंबर पर आपको मिल सकती है। तो ये 3 साल की कट ऑफ इसमें दी गई है। इसके बाद में इसमें आगे देखते हैं कि इसमें एक च्वाइस लिस्ट दी गई है 2022 के लिए, जो आपके लिए काफी लाभदायक होगी, उसके मुताबिक आप चॉइस फिल कर सकते हैं। ये इस प्रकार से दी है मैंने, सीरियल नंबर 1 नंबर पर एम्स दिल्ली, 2 नंबर पर मौलाना आजाद, 3 नंबर पर बीएमएमसी, उसकी फीस क्या है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, कौन से ईयर की वो कॉलेज है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल कर सकते हैं 22 की चॉइस के लिए। अभी इसमें जो मैंने आगे फीस और सीट भी इसमें दिखाया है, तो इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, कौन सी कॉलेज में कितनी सीट है, ये कॉलेज वाइज दे रखा है। दूसरी इसमें जो फैसिलिटी दी गई है वो इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो इस प्रकार से इसमें दिखाया है। काउंसलिंग प्रोसेस को मैंने अलग से दिखाया है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए क्या आपको कंडीशन रहेगी, कैसे कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, इवन इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताया है कि किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है एमसीसी का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में अवेलेबल है। अब इसमें अदर इंफॉर्मेशन भी दी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसमें सभी मार्क्स पर, यानी कि कट ऑफ रैंक कितनी रही थी उस तक, ये मैंने जो मार्क्स का ऑल इंडिया रैंक कितनी रही थी, मार्क्स वर्सेज ऑल इंडिया रैंक, ये 3 साल का पहले का पूरा रिकॉर्ड दिया गया है हर एक मार्क्स का, यानी कि जो कट ऑफ परसेंटाइल है वहां तक मैंने दे रखा है, 147 तक इसमें दे रखा है मैंने कि कितनी कट ऑफ रही, सॉरी कितनी ऑल इंडिया रैंक रही थी कितने मार्क्स पर। ये प्रीवियस 3 इयर्स के दे रखे हैं, इसमें हाई फीस के कॉलेज अलग दिखा रखे हैं, बाकी काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में, मतलब अदर इंफॉर्मेशन भी मैंने इसमें दे रखी है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद इसी प्रकार से स्टेट कोटा की है। ये जो बुक अवेलेबल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। स्टेट कोटा की बुक में हर एक स्टेट के बारे में समझाया है, वही टॉपिक कवर किए हैं जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में कवर किए थे मैंने, ऑल इंडिया की बुक में कवर किए हैं वही इसमें किए हैं। जैसे मैं यहाँ एक स्टेट का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने राजस्थान स्टेट को यहाँ समझाया है, उसमें ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है, राउंड वाइज कट ऑफ क्या है, ये कट ऑफ मैंने 3 साल की कट ऑफ इसमें भी दिखा रखी है, स्टेट वाइज कट ऑफ इसमें दिखा रखी है। दूसरी बात, इसमें बॉन्ड की कंडीशन भी दिखा रखी है, कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है,
क्या डिसकंटिन्यूड बॉन्ड कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये सारी इसमें स्टेट कोटा की बुक में मैंने दिखा रखा है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, उसमें हम एडमिशन कैसे लें, फर्स्ट राउंड की क्या कंडीशन है, सेकेंड राउंड की क्या कंडीशन है, ये सब अलग अलग समझा रखा है। इसी प्रकार से आयुष और वेटनरी की बुक के बारे में भी यहां बताया है। एक ही बुक में दोनों है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों अवेलेबल है। वो सारी फैसिलिटी जो ऑल इंडिया और स्टेट में थी, वैसे ही ऑल इंडिया के इस आयुष और वेटनरी की बुक में अवेलेबल है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट www.chopraeducation.in पर जैसे ही विजिट करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें राइट साइड में या ऑल इंडिया बुक 22 का लिंक दिया हुआ है, सभी बुक्स का लिंक दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट में काउंसलिंग बुक भी दी हुई है, इस पर क्लिक करके भी आप जो बुक परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से बुक से। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे हर एक बुक के लिंक दिए गए हैं, उस बुक के लिंक पर क्लिक करके आप इसमें आपको अमाउंट पे करना होगा। ये अमाउंट नॉर्मली सी अमाउंट है, इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है, इस बुक को देखते हुए ये नॉर्मल सी अमाउंट रखा गया है। तो अगर हम अपने नॉलेज के लिए कुछ अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स का अगर हम 10 दिन का एक्सपेंस देखें तो उसके लेवल का ही ये इसमें मैंने इसका प्राइस रखा है। स्टूडेंट का 20 डेज का जो अननेसेसरी एक्सपेंस होता है उस जितना मैंने इस बुक का प्राइस रखा है। हम उतना कटौती करके हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपना नॉलेज लेकर के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपको नॉलेज मिलेगा ही, इसमें कोई नॉलेज कम नहीं होता है, नॉलेज बढ़ता ही है, बेशक आप इसको रुचि लेके इस बुक को अच्छी तरह से रीड करेंगे। तो ये जानकारी थी इस बुक के बारे में। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हर समय पर हम लेके आते रहते हैं। हर एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, हर एक स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑल इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही हमारा वीडियो आपको मिलेगा आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।